ठग 2 साल कबल कीमती भैंस मांग कर ले गए, जिसे हड़प कर ली गई। 2 साल गुजरने के बावजूद वापस नहीं कर रहे। हक नवाज चदर थाने कचहरी के चक्कर लगा कर थक गया। हक नवाज चदर के साथ हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक सदीक हैदर मुस्तफाई मौजूद हैं। जी मजीद सूरत हाल से आगाह कीजिएगा मलिक सदीक। हम मौजूद हैं S48 न्यूज की टीम, इस वक्त तहसील चनियोट के एक निवाई कस्बा लाले वाला चदरा तहसील लालिया का एक मजाफाती इलाका है, जहां मौजूद हैं हक नवाज चदर साहब के पास। इनके कुछ जानने वालों ने अरसा 2 साल कबल 9/10/2019 को एक भैंस और कट्टा जो कि मली थी 1.5 लाख रुपए का था, मांग कर ले गए कि हमारे पास दूध की कमी है और हमको भैंस दी जाए ताकि हम अपनी ये ज़रूरत पूरी कर सकें। मगर वो भैंस खा गए और ज़बह कर दी, जबकि कट्टा भी वापस ना किया। अब वो लात लहल से काम ले रहे हैं। पुलिस में इन्होंने दरखास्तें भी दी हैं, SSP मैडम कौशल प्रवीण के साथ इनकी इंक्वायरी भी चल रही है। अब मजीद इनसे जानते हैं जी आपके साथ क्या हुआ और कौन बंदे हैं जिन्होंने आपका ही आपकी कीमती भैंस हड़प कर ली, बताइएगा जी। आओ जी, हाँ जी बोलो। जो बस ओ जी लग गए सन सी बड़े टुटदा रहा सारू को वापस नहीं थी मोटर सा लालिया थाने भी है मोटर सा दरखास्त दी थी। अच्छा इथे थाने मम्मा दाले दे विच उस ओ तफ्तीशी ते दरखास्त गई रजोके कोल, उसने क्या किया? उस नाल सदया बुलाया है। अच्छा उस ओ साखे अब पैसे कोई कट बणेंदे सत अंगूठा लवा लिया इस हाजरी दा कर ते ते ओ पैसे ओदू लाए ते ओ आप खा गया सन कोई दिस। वो कौन है रजोका? ओ जी ओदे ना तारक है जी, ओ थाने सदारे च जी। हाँ जी, ये कहते हैं जी तारिक रजोका नामी तफ्तीशी अफीसर ने उनसे पैसे ले लिए और हमारी जो केस को खराब कर दिया। अब आपका किससे मुतालबा है कि आपका ये मसला हल हो, आपको भैंस वापस मिल सके? बिल्कुल जी, हो जी बंगा बंगा करते कोई मोड़ ली साहब पैसे जी लिया 3000। अच्छा लगा से आपकी भैंस कितनी मालियत की है, कितने लाख की है? आई था 2-2.5 लाख दी है, तो उस वक्त 1.5 लाख रुपये। अच्छा जी, इनका कहना है आखिरी बात चदर का 1.5 लाख रुपए की मली थी भैंस जो आज का 2 लाख रुपए की है। मेरी DPO चनियोर से मुतालबा है, इनका कहना है कि मैं मुतालबा करता हूँ कि मेरी भैंस जो है कीमती भैंस और साथ कट्टा भी था वापस किया जाए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। जी कैमरामैन टीम के साथ डिविजनल ब्यूरो चीफ S48 फैसलाबाद।